अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ करेले, जो मैंने इसको धो के रख लिया छील के काट के, और 3 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, करेले हैं 1/2 kg, और 5 से 6 बारीक वाली तेज़ हरी मिर्चें, और 2 सादी यानी फीकी हरी मिर्चें। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्याज वाला ऑयल है, मैला नहीं है। अब इसमें करेले फ्राई करेंगे। पहले हम 2 पार्ट में हम करेले करेंगे। बस ये सॉरी, करेले हमारे अच्छे से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। यहाँ इनको निकालते जाते हैं। अब ये प्याज करेले हमने सुनहरे कर लिए हैं। अब यहाँ दूसरा बैच फिर डाल दिया। ये 4 से 5 गोल मिर्चा जिन्हें मैंने तोड़ लिया बीच में से, आप चाहे काट लें चाहे तोड़ लें, जैसे आपकी मर्जी। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, खुश्क मसाले अब बताऊंगी, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, या नमक आप 2 टेस्ट कर लीजिएगा। चलाएंगे इसको अच्छे से। 1 बड़ी चुटकी हींग की डालेंगे, कलौंजी 1 बड़ी चुटकी, अजवाइन 1 चुटकी, अब बोलो 1/2 टीस्पून जीरा हमने इसमें डाल दिया, 1 बड़ी चुटकी सौंफ की, और 1 चुटकी ही साबुत धनिया। 5 मिनट हो गए भूनते हुए, अब डालेंगे हम प्याज। 1/2 टीस्पून अनारदाना मैंने धो के कूट लिया है, ये भी इसमें डालेंगे। इसकी खटास की वजह से टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा उभर के आएगा। मसाला भी भून गया, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, और साथ ही हम डालेंगे करेले, इसे भी अच्छे से मिक्स करते हैं। अब लास्ट में ये भुनाई हो गई है, क्योंकि फ्राई हुए में करेले है, प्याज फ्राई हो गई है, मसाले अच्छे से भून गए। अब ये 2 हरी मिर्चें, और मान के चले तो 2 तेज़ वाली मिर्चें, ये भी हमने इसमें ऐड कर लेनी है। ये बेहतरीन सी सब्ज़ी तैयार हो रही है, पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छी है, और विटामिन सी है इसमें भरपूर इसमें मिकदार में, और बिना ढके ही इसे हम पकाएंगे। और प्याज करेलों की सब्ज़ी 10 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। अब मैं इसको लिड लगा के रखती हूँ, और फिर ज़बरदस्त क्या खुशबू आ रही है। 10 मिनट हमने इसे दम पे रखा है मध्यम आंच पे, और ये देखिए अच्छी से हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। प्रेजेंटेशन करते और आपको देखते, हमारी करेले प्याज की अचारी, करेले प्याज की सब्ज़ी तैयार है, बहुत झटपट से बन जाने वाली। 15 से 20 मिनट में ये झटपट से सब्ज़ी बन जाती है। अगर घर में करेले हैं तो बिल्कुल भिंडी के तरीके से आप इसको बना सकते हो, और मेरी बेटी चख के बताएगी कि कैसी बनी है। हम ये मिर्चों को काटते नहीं, वो इसलिए कि जिसने जितना लेना वो ले ले, अगर मिर्चें काट देंगे तो उसके बीज जो है वो सब्ज़ी में ऐड हो जाएंगे। इसलिए बताओ कैसी बनी सब्ज़ी, बहुत मज़ेदार। चलो आई लव इट, थैंक यू। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।